हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है योगा या योगिक क्रियाएं, जिसके अंतर्गत योग की उत्पत्ति, योग के प्रकार, प्राणायाम, अष्टांग योग एंड शुद्धि क्रिया सत्कर्म आदि के बारे में वीडियोज है। ये योग का थर्ड पार्ट है, वर्ल्ड नाइनर क्वेश्चन डाउट क्लियर प्रैक्टिस सेट का। तो दोस्तों, जैसे कि सभी टॉपिक्स ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, अब गेम का दो चार वीडियो आएगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रैक्टिस कराऊंगी, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता बीपीएससी टीआरई 3 का एंड बिहार स्टेट का एंड जितने भी फिजिकल एजुकेशन कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, चाहे किसी भी स्टेट का हो। सभी प्रकार की वीडियोज मेरे चैनल पर अवेलेबल है, सबके लिए सिलेबस सेम होता है। एंड थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक चैप्टर का थ्योरी सेशन डिटेल में दिया हुआ है। एंड तो टीआरई 3 वाले जो है, और टीआरई 2 में जो मैंने 80 वीडियोज का प्रैक्टिस कराया हुआ है, सभी प्रैक्टिस आप एक बार जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज के वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से मैं जो बचा है योग से रिलेटेड क्वेश्चन, उसको डाउट क्लियर करूंगी। और योग का थ्योरी सेशन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, और योग वाले प्लेलिस्ट में जाकर के सभी टॉपिक को थ्योरी सेशन शॉर्ट में अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो क्वेश्चन है दोस्तों, छोटे समूहों के लिए योग के शिक्षण में बैठने की प्रभावी व्यवस्था है। तो दोस्तों, योग का शिक्षण या सारी शिक्षा देने के लिए या पीटी कराने के लिए, तो योग शिक्षण के लिए बैठने की व्यवस्था अर्धवृत्ताकार, वृत्ताकार एंड एक सीधी लाइन में होता है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका होता है छोटे समूह के लिए योग शिक्षण में बैठने की, तो वो होता है अर्धवृत्ताकार, जिसे हम अर्धचंद्राकार भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, योग जैसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के लिए अंतर सरकारी समिति का 11वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो दोस्तों, यह इथियोपिया में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है, योग शब्द की व्युत्पत्ति किस संस्कृत धातु या क्रिया से हुई है? तो दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना या मिलन या संयोग। यानी कि योग का अर्थ है आत्मा का परम या दिव्य आत्मा से मिलन, या आप कह सकते हैं कि यह मनुष्य की चेतना की विकास का विज्ञान है, यानी जीवात्मा का परमात्मा से एकीकरण होना। या आप कह सकते हैं कि मानव के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक व आध्यात्मिक पहलुओं का एकीकरण भी योग है। अगर क्वेश्चन आ जाएगा कि योग से किन किन पहलुओं को ठीक किया जा सकता है, आसन रहेगा शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक, उपरोक्त सभी, तो वहां पे उपरोक्त सभी आपका राइट होगा, क्योंकि योग का लक्ष्य है मनुष्य का सर्वांगीण विकास करना। नेक्स्ट है दोस्तों, स्वामी कुवलयानंद, ठीक है, स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु कौन थे? तो स्वामी कुवलयानंद के योग गुरु थे माधव दास। नेक्स्ट है, ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति करता है? दोस्तों, तो वह होता है विद्या, ठीक है। ईशावास्य उपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमृतत्व की प्राप्ति करता है? तो विद्या करता है। कौन दुख का कारण होता है? वो अविद्या होता है। नेक्स्ट है, कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है, दोस्तों कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है कि इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण, क्वेश्चन आ सकता है कि इंद्रियों, मन और बुद्धि पर नियंत्रण ही योग है, यह परिभाषा किसने दिया है? तो कठोपनिषद में दिया गया है। एंड दोस्तों, जैसे महर्षि पतंजलि ने कहा है योग की परिभाषाओं में कि योग चित्त वृत्ति निरोध, यानी कि चित्त की वृत्तियों को पूर्णतया रोक देना ही योग कहलाता है। वेद व्यास कहे हैं कि योग समाधि है,
डॉक्टर संपूर्णानंद का कहना है कि योग आध्यात्मिक कामधेनु है, यानी आत्म संस्कार का एकमात्र उपाय योग है। एंड भगवद गीता में कहा, श्री कृष्ण ने कहा है कि योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्म करने की निपुणता ही योग है। एंड योग शास्त्र में कहा गया है कि सभी चिंताओं का परित्याग कर निश्चिंत हो जाना ही योग है। एंड दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांडिल्य विद्या का वर्णन किस उपनिषद में किया गया है? तो सांडिल्य विद्या का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में किया गया है। नेक्स्ट है, पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का क्या उपाय है? तो विवेक ख्याति। पतंजलि के अनुसार दुख की निवृत्ति का उपाय है विवेक ख्याति। नेक्स्ट है दोस्तों, सिद्ध सिद्धांत पद्धति में कितने आसनों का वर्णन किया गया है? तो 3 आसनों का। नेक्स्ट है, हठ रत्नावली के अनुसार महायोग कितने प्रकार के हैं? तो 4 प्रकार के हैं। नेक्स्ट है, भुजंगीकरण प्राणायाम का किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? तो यह हठ रत्नावली में किया गया है। नेक्स्ट है, आयुर्वेद के किस आचार्य के अनुसार समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रियाः स्वास्थ्य के विशिष्ट लक्षण हैं? तो यह आचार्य सुश्रुत का कहना है। नेक्स्ट है, कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सकीय लाभ क्या है? तो दोस्तों, यह कफ संबंधी विकारों को दूर करता है। कपालभाति आपका सटकर्म, यानी कि कपालभाति आपका प्राणायाम में भी आ जाता है, सटकर्म में भी आता है। तो दोस्तों, जो आपका सटकर्म होता है, शुद्धि क्रियाएं 6 होती है, नेति, दोति, नौली, वस्ति, कपालभाति, त्राटक। तो कपालभाति मस्तिष्क की अग्रभाग के पवित्र करने की, सांस लेने की प्रक्रिया होती है, जिसमें कफ संबंधी विकारों को दूर करना होता है। नेक्स्ट है, हठ प्रदीपिका के अनुसार कुंभक प्राणायाम के अभ्यास हेतु कौन सा समय बताया गया है? तो दोस्तों, इसके लिए हम प्रातःकाल भी कर सकते हैं, मध्याह्न, सायं और अर्धरात्रि को हठ प्रदीपिका के अनुसार बताया गया है। जबकि आपको बताया गया है कि प्राणायाम के 3 घटक होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। जिसमें से पूरक का मतलब होता है श्वास को अंदर लेना, कुंभक का मतलब होता है श्वास को अंदर रोकना। जिसमें से 2 प्रकार के कुंभक होते हैं, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। अंतः कुंभक में पूरा श्वास अंदर लेकर उसे अंदर रोकना होता है, और वाह्य कुंभक में पूरा श्वास बाहर निकालकर बाहर रोकना होता है। और तीसरा घटक होता है रेचक, जिसमें श्वास को बाहर छोड़ना होता है। नेक्स्ट है, योग कक्षा आमतौर पर किसके साथ प्रारंभ की जाती है? तो दोस्तों, यह सबसे पहले प्रार्थना के साथ प्रारंभ की जाती है। नेक्स्ट है, नासिका मार्गों की सफाई की सटकर्म प्रक्रिया क्या है? अभी मैं जस्ट बताई थी कि सटकर्म जो है वो 6 होते हैं, नेति, दोति, नौली, वस्ति, कपालभाति, त्राटक। जिसमें से जो नाकों की सफाई, नाक से शुरू होता है, फिर पेट यानी अमाशय, फिर उदर की मालिश होती है, फिर आपका बड़ियात। तो यहाँ पे नाक की सफाई के लिए नेति का प्रयोग किया जाता है। नेति में नासिका द्वार को साफ व स्वच्छ बनाने की क्रिया होती है। इसमें जल नेति तथा सूत्र नेति शामिल होता है। दूसरा होता है दोति, यह स्वच्छ क्रिया की क्रमवार है, यानी कि दोति में मुंह से गुहा तक पूरी अमाशय यानी पेट को साफ करनी होती है। तीसरा होता है नौली, जिसमें पेट को दाएं बाएं घुमाया जाता है, यानी उदर के अंगों की, यानी पेट के अंगों की मालिश कर मजबूत बनाता है। चौथा होता है बस्ती, यानी बड़ियात को धोने व मजबूत बनाने का काम करता है। पांचवा होता है कपालभाति, जो मस्तिष्क के अग्रभाग को पवित्र करने की, सांस लेने की क्रिया है। छठा होता है त्राटक, जो एक बिंदु या वस्तु पर लगातार देखने के का व्यायाम होता है, जिससे केंद्रित करने एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट है, सत्कर्मों के अभ्यास की सलाह किस क्रिया से पहली दी जाती है? सत्कर्मों की अभ्यास की सलाह किस क्रिया से पहले दी जाती है? तो दोस्तों, आसन और प्राणायाम से पहले। सत्कर्म आसन और प्राणायाम से पहले दी जाती है, और जो प्राणायाम होता है वो सभी आसनों के करने के बाद किया जाता है।
नेक्स्ट है, कब्ज से पीड़ित मरीजों के लिए लाभदायक सत्कर्म कौन सा है? तो बस्ती और नौली। बस्ती और नौली, बस्ती में बढ़िया हाथ को धोने और मजबूत बनाने का काम किया जाता है, नौली में दाया नौली बाया नौली, जिसमें से उदर के अंगों को मालिश कर मजबूत बनाया जाता है। नेक्स्ट है, नेति क्रिया के दो प्रमुख प्रकार हैं, तो जलनेति और सूत्रनेति, जो नासिका के द्वार को साफ किया जाता है। नेक्स्ट है, आंखों को झपकाए बिना किसी बिंदु या वस्तु को एकटक देखने को क्या कहा जाता है? तो इसे त्राटक कहा जाता है, जो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, एक अच्छी खड़ी मुद्रा यानी आसन में शरीर का भार निर्भर करता है, तो ये दोनों पैरों पर निर्भर करता है। जैसे आप खड़ी मुद्रा में है तो आपका समस्त भार पैरों पर ज्यादा होता है। नेक्स्ट है, धनुष यानी तीर कमान जैसी मुद्रा से संबंधित आसन को क्या कहते हैं? धनुरासन, जैसा कि आप सबने देखा है। नेक्स्ट है, किस आसन से रीढ़ को इस प्रकार टेढ़ा किया जाता है कि शरीर अर्धचक्रीय मुद्रा में हो जाता है? तो उसे चक्रासन बोला जाता है। नेक्स्ट है, सिंह यानी शेर के दहाड़ने वाली मुद्रा से संबंधित आसन कौन सा है? तो उसे सिंहासन कहते हैं। नेक्स्ट, कौन सा आसन महान योगी मत्स्येंद्र की देन है? तो मत्स्येंद्र आसन है। नेक्स्ट है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मुर्गे के समान हो जाती है? तो उसमें कुक्कुट आसन में होता है। नेक्स्ट है, किस आसन में शरीर की मुद्रा एक मोर की भांति हो जाती है? दोस्तों, तो इस मयूर आसन में होता है, इसे सौंदर्य आसन भी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा आसन हनुमान आसन कहलाता है? तो वीरासन को और हनुमान आसन भी कहते हैं। छोटा छोटा पॉइंट है, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो संस्कृत के युज धातु से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना या मिलाना। नेक्स्ट दोस्तों, संस्कृत में युज शब्द का क्या अर्थ है? तो युज शब्द का अर्थ है जोड़ना, गठबंधन करना, अपना ध्यान केंद्रित करना। नेक्स्ट, योग किस आत्मिक लक्ष्य को प्राप्त करने का एक रास्ता है? तो योग जो है मोक्ष को प्राप्त करने का एक रास्ता है। नेक्स्ट है, मन को पवित्र करने हेतु क्या आवश्यक है? तो प्राणायाम आवश्यक है। प्राणधन आयाम यानी श्वासों पर नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। नेक्स्ट है, इंद्रियों को बस में करने संबंधी योग है तो प्रत्याहार है। दोस्तों, महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में अष्टांग योग यानी योग के मन शरीर मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण बताए हैं, जिसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के बारे में बताया हुआ है, जिसमें से शुरू के 5 यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ये बहिरंग यानी स्थूल साधन कहे जाते हैं, और लास्ट के 3 जो है धारणा ध्यान समाधि वो अंतरंग यानी सूक्ष्म साधन कहे जाते हैं। प्रत्याहार दोस्तों, ये इंद्रियों को बस में करने संबंधी योग है, याद रखिएगा। जो यम होता है सामाजिक अनुशासन होता है, जिसके अंतर्गत अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह शामिल होता है। जो नियम होता है दूसरा, वो व्यक्तिगत अनुशासन होता है, जैसे शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रतिधान। और तीसरा होता है आसन, जो शरीर में स्थायित्व और एकाग्रता बनाने रखने के लिए विशेष मुद्रा रखने को आसन कहते हैं। एंड प्राणायाम सांसों पर नियंत्रण करना, प्रत्याहार इंद्रियों को बस में करना, धारणा यानी एकाग्रता। धारणा दोस्तों, ध्यान की पहली अवस्था धारणा हो जाती है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें अपने इष्ट देव या स्वयं पर पवित्र मन से ध्यान लगाना। धारणा की पद्धति से मन वस्तु विशेष पर एकाग्र हो जाता है, मन में निश्चल भाव से किसी बात को धारण करना, दृढ़ निश्चय करना धारणा कहलाता है। फिर ध्यान होता है, जिसमें ध्यान यानी साधना, जब व्यक्ति समय और सीमा के बंधन से मुक्त होकर अपना ध्यान केंद्रित करता है तब वह साधना यानी ध्यान कहलाता है। आठवां होता है समाधि, जिसमें आत्म अनुभूति होती है। समाधि जिसमें आत्म अनुभूति होती है, इसमें व्यक्ति की पहचान आंतरिक और बाह्य रूप से ध्यान में खो जाती है। सुख दुख या दरिद्रता से मुक्त होकर सर्वोच्च आनंद की अनुभूति होती है, ध्यान की पराकाष्ठा ही समाधि कहलाती है। क्वेश्चन आ सकता है कि ध्यान की पराकाष्ठा क्या कहलाती है? तो समाधि कहलाती है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट वही क्वेश्चन आ गया है कि ध्यान की पराकाष्ठा किसमें होती है? तो समाधि में होती है। दोस्तों, आप सभी वीडियोस को आप अच्छे से देखिए, आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। नेक्स्ट, शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग कौन सा है? तो वह है राजयोग।
नेक्स्ट है, मन के केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का क्या नाम है? तो उसे राज योग कहते हैं। तो दोस्तों योग कई प्रकार के होते हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, हठ योग, राज योग, मंत्र योग, लय योग, भक्ति योग, ये सात प्रकार के हो गए। जिसमें कर्म योग में कर्म करने का योग है, ज्ञान योग ज्ञान और विवेक का योग है, हठ योग शारीरिक व मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है, राजयोग में मन और राजयोग मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों के जगाने का योग है, मंत्र योग क्षण कंपन का प्रयोग करते हुए मन को स्वतंत्र करने का योग है, लय योग व्यक्तित्व को जानते हुए विलय करने का योग है, भक्ति योग साधन भक्ति करने का सघन भक्ति करने का योग है। तो यहाँ पे शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने संबंधी योग को क्या कहते हैं? दोस्तों यहाँ पे गलत है, याद रखिएगा, सॉरी, यहाँ पे शारीरिक एवं मानसिक शुद्धि प्राप्त करने से संबंधित योग को हठ योग कहते हैं। यहाँ पे राजयोग नहीं होगा, यहाँ पे राजयोग नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हठ योग होगा। क्या होगा? यहाँ पे हठ योग होगा, ठीक है। तो हठ योग में शारीरिक और मानसिक शुद्धि प्राप्त करने वाला योग है, जबकि राजयोग मन के जागरण तथा ज्ञान केंद्रों के जगाने का योग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन के केंद्रों को जगाने से संबंधित योग का क्या नाम है? तो राजयोग है। नेक्स्ट है, योगासन करने का आदर्श समय कौन सा होता है? दोस्तों तो प्रातःकाल सबसे बेस्ट होता है। नेक्स्ट है, पद्मासन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो पद्मासन को कमलासन के नाम से भी जाना जाता है, इसे एकाग्रता क्षमता बढ़ती है, यादाश्त बढ़ता है। नेक्स्ट, वज्रासन को कब किया जाता है? आप सबको पता है, यह खाना खाने के बाद किया जाता है, एक ही ऐसा आसन है जो खाना खाने के बाद किया जाता है, वज्रासन। नेक्स्ट, किस आसन को दर्जी की सीट कहा जाता है? तो सुखासन को, ठीक है। ध्यानात्मक आसन में वज्रासन, सुखासन एंड पद्मासन, स्वास्तिक आसन, ये ध्यानात्मक आसन है, जिसमें से सुखासन को दर्जी की सीट कहा जाता है, जिस आसन में बैठकर आप खाना खाते हैं। नेक्स्ट, किस आसन की आकृति हल से मिलती जुलती है? तो हलासन की। नेक्स्ट, संपूर्ण शरीर के लिए लाभदायक आसन कौन सा है? सर्वांगासन। नेक्स्ट, किस आसन को सभी आसनों की जननी कहा जाता है? तो सर्वांगासन को सभी आसनों की जननी कहा जाता है। नेक्स्ट, जो व्यक्ति टॉन्सिल, थायराइड और गले के अन्य रोगों से पीड़ित है, उनके लिए उपयोगी आसन है? तो सर्वांगासन है उनके लिए। नेक्स्ट है, टीबी एवं दमा, टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एवं दमा के मरीजों के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? तो सर्वांगासन उपयोगी है। नेक्स्ट है, पाइल्स के उपचार हेतु कौन सा आसन उपयोगी है? तो पाइल्स के उपचार के लिए गोमुख आसन उपयोगी है। नेक्स्ट दोस्तों, प्राणायाम के मुख्य घटक कौन कौन से हैं? आप सबको पता है, पूरक, कुंभक, रेचक। पूरक का मतलब श्वास अंदर लेना, कुंभक का मतलब श्वास अंदर रोकना। इसमें से दो प्रकार के कुंभक होते हैं, अंतः कुंभक यानी पूरा श्वास अंदर लेकर उसे रोकना, और वाह्य कुंभक यानी बाहर निकाल कर रोकना। तीसरा होता है रेचक, जिसमें श्वास को बाहर छोड़ना होता है। नेक्स्ट है, प्राणायाम में सांस अंदर लेने को क्या कहते हैं? तो पूरक कहते हैं। एंड प्राणायाम में सांस बाहर छोड़ने को क्या कहते हैं? तो रेचक बोला जाता है। प्राणायाम में सांस रोकने को क्या कहते हैं? तो कुंभक बोला जाता है। किस महापुरुष के अनुसार योग समाधि है? तो वेदव्यास के अनुसार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कुछ परिभाषाएं दिया गया है लोगों के अनुसार, महापुरुषों के अनुसार, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस महापुरुष ने के अनुसार योग कामधेनु है। तो आप अभी देखें कि योग समाधि है, ये वेदव्यास ने कहा है। योग आध्यात्मिक कामधेनु है, इसको डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा है। नेक्स्ट, किसके अनुसार जीव और आत्मा के मिलन की संज्ञा ही योग है? यह वेदांत के अनुसार, वेदांत का कहना है कि जीव और आत्मा का मिलन ही योग है। नेक्स्ट है, संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं। इस किस महापुरुष ने कहा है? तो योग वशिष्ठ ने कहा है कि संसार सागर से पार होने की युक्ति को ही योग कहते हैं।
नेक्स्ट है पद्मासन, पवनमुक्तासन, भुजंगासन और शलभासन मुख्य रूप से किस रोग से लाभकारी हैं? यह पेट की बीमारियों में लाभकारी होते हैं। नेक्स्ट है धनुरासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार आसन मुक्त किस रोग में फायदा पहुंचाते हैं? तो यह सब मधुमेह यानी डायबिटीज में फायदा पहुंचाते हैं, याद रखिएगा, धनुरासन, शलभासन, सूर्य नमस्कार, ठीक है। नेक्स्ट है प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना पड़ता है? तो श्वास भरने में लगे समय से 4 गुना। प्राणायाम में श्वास वायु को कितनी देर शरीर के अंदर रोकना होता है? तो जितना समय आप पूरक कुंभक रेचक, 3 क्रियाएं होती हैं, तो पूरक मतलब श्वास अंदर लेना, श्वास अंदर लेने में जितना समय लगा है और रोकने में उससे 4 गुना समय लगना चाहिए। नेक्स्ट है बस्ती क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो बस्ती में बड़ी आंत को साफ किया जाता है, जिसमें जल बस्ती, पवन बस्ती, शंख प्रक्षालन क्रिया, याद रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछ सकता है, जल बस्ती, पवन बस्ती, शंख प्रक्षालन क्रिया। नेक्स्ट है कब्ज तथा बवासीर के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो कब्ज और बवासीर के लिए धनुरासन, चक्रासन, वज्रासन, सर्पासन, हलासन आपका राइट होता है। नेक्स्ट कमर दर्द के लिए रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभदायक है? तो यह सर्वांगासन उसके लिए लाभदायक है। नेक्स्ट नेत्र रोग के रोगियों के लिए कौन सा आसन लाभकारी है? तो शीर्षासन और सर्वांगासन नेत्र रोग के रोगियों के लिए आसन लाभकारी है। नेक्स्ट पेट में बनने वाले गैस के लिए कौन सा आसन उपयोगी होता है? तो यह पवन मुक्तासन, धनुरासन एवं चक्रासन लाभकारी होता है पेट में गैस बनने की रोकने के लिए। नेक्स्ट है नेत्र रोग के रोगियों के लिए कौन सी नेति लाभकारी है? तो जल नेति और धृत नेति। नेक्स्ट है नौली तथा प्राणायाम किसके लिए अधिक उपयोगी है? नौली में दोनों पैर को दाएं बाएं घुमाया जाता है, तो नौली तथा प्राणायाम गैस की समस्याओं को दूर करने एवं पाचन में सहायक हेतु लाभकारी है। नेक्स्ट धर्म अर्थ काम मोक्ष क्या है? तो यह मानव जीवन के लिए 4 उद्देश्य यानी पुरुषार्थ हैं। नेक्स्ट योग में समाधि किसे कहते हैं? तो चित्त को स्थिर करना ही योग में समाधि कहा जाता है। नेक्स्ट गौतम बुद्ध के चित्र में उन्हें कौन से आसन में दिखाया गया है? तो उन्हें पद्मासन में दिखाया गया है। नेक्स्ट कुंजल क्रिया कब करनी चाहिए? तो खाली पेट करना चाहिए कुंजल क्रिया। नेक्स्ट है आंत की बीमारियों के लिए कौन से आसन अपनाए जाते हैं? तो गर्भासन, हस्त पद्मासन, सूर्य नमस्कार। नेक्स्ट है कान में दर्द निवारण के लिए कौन सा आसन उपयोगी है? सिद्धासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन। नेक्स्ट है ग्रीक यानी कि यूनान के लोग किस सिद्धांत में विश्वास करते थे? तो वह स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क रहता है, इस सिद्धांत में विश्वास करते थे, इस बात को कहे हैं अरस्तु ने। नेक्स्ट है योग के 8 चरणों में सामाजिक अनुशासन के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो योग के 8 चरण है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि, जिसमें से सामाजिक अनुशासन कहा जाता है यम को, ठीक है, यम को सामाजिक अनुशासन कहा जाता है, जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह शामिल होता है। और दूसरा होता है नियम, जिसमें व्यक्तिगत अनुशासन होता है, याद रखिएगा इसको, जिसमें शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। एक क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों कि यम को सामाजिक अनुशासन के नाम से जाना जाता है और नियम को व्यक्तिगत अनुशासन। तो दोस्तों ये थे आपके सभी डाउट, आपके क्लियर हो चुके होंगे योग से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।